आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को शुरू करेंगे। तो वंदे मातरम, मैं अरबी पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करें। आइए, तो हम लोग का ये पहला क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो एक्सरसाइज 7.2 को मैंने बताया था किससे बनेगा, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन जो निकालना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा उसी से बनेगा। अच्छा, मैंने कहा था कि किसी को भी टी मानने के लिए हम लोग ऐसे ही नहीं चल देंगे, कुछ को भी टी मान दिए उसमें भी देखेंगे कि किसे मानने से काम सही होगा। ओके, तो आइए, जैसा कि ये क्वेश्चन है अब इसको समझिए। लो, पीछे आप लोग कुछ बेसिक बात समझ लिए होंगे, कोई भी दिक्कत होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर पहले देख लीजिए। अब उसके बाद इसे देखते हैं लोग कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का आई इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और हमें क्या करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर आप सोचें ना, खुद भी आप अगर 2x को t मान लेते हैं तो उससे क्या होगा, 2x को t मानेंगे तो डिफ्रेंशिएशन उसका 2 हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे क्या, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। टी बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है, कुछ नहीं। लेकिन वही अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मानते हैं तो क्या होगा कि इसका डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, ऊपर 2x दिखा, यानी कि मन में एक आ गया कहीं ना कहीं से कि अच्छा कटने वाला है। तो ऐसे ही सोच के आगे बढ़ना है। ऐसे तो आपको जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप तो सीधे क्वेश्चन देखिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन शुरुआत में हमें सोचना है, क्वेश्चनों को थोड़ा सा देख के उसको सोचना है कि कैसे चलना है। आँख बंद करके ऐसे ही किसी भी गाड़ी में बैठ जाएंगे तो मंजिल पे तो पहुँचेंगे नहीं ना, ऐसे ही नया ऑटो लगा है बैठ गए तो कहीं पहुँचा देगा। उसी तरह से प्रैक्टिस करना है, शुरुआत है, आराम से सोचिए, गलती करिए फिर आगे बढ़िए, फिर गलती हुआ फिर से सोचिए फिर उसे सुधारिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, ये तो क्लियर हो गया कि इसको टीम मानने से कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन इसको टीम मानने से कुछ हद तक दिखाई दे रहा है। बाकी रास्तों पे जैसे चलेंगे वैसे रास्ते और क्लियर होते चलेंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू टी, इसको हम लोगों ने टीम मान लिया, तो क्या करते थे पीछे जो, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे, ये हो गया 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन dx। उसके बाद क्या हो जाता था, तो मैंने आपसे कहा था अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो dx को सिर्फ इधर आइए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए और काट कूट से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में आता हो तो ये 2x दिख ही रहा है, dx यहाँ पे दिख ही रहा है, तो इसी को हम इधर ला देते हैं, दोनों एक साथ ख़त्म हो जाएगा। आपको ध्यान होगा मैं दो तरीके से इसको बताया हूँ। अब मैं यहाँ पे ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, सीधे यहाँ पे दिख रहा है ना, क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या हो dx को इधर रखिए और बाकी नीचे लीजिए पिछले पार्ट की तरह। अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या किए, क्वेश्चन अब रखना है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, तो देखो 2x और dx के बदले हम लोगों ने क्या मान लिया, dt। तो भाई dt यहाँ पे लिखो या बगल में लिखो आपकी मर्जी, बात तो एक ही है। तो इसे 1 अपॉन हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो t माने t लिख सकते हैं और यहाँ पे आ गया dt। अच्छा, इसको dt बटा t लिखते तो कोई समस्या था क्या, कोई समस्या नहीं था, 2x dx को dt माने हैं। अब ये यहाँ लिखे हो चाहे यहाँ लिखे हो बात तो एक ही है, इतना तो क्लियर होगा, बेसिक्स बातें हैं। अच्छा, नीचे वाले को टी माने थे तो टी लिख दिए। अब क्या, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन, अरे तो 1 अपॉन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था, तो 1 अपॉन एक्स तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता था। ओ, तो इसका क्या हो जाता है, लॉग ऑफ मोड टी। ये मोड क्यों लगता है, ये भी बेसिक पार्ट में मैं एकदम शुरुआत में बता दिया हूँ जब इंटीग्रेशन शुरू हुआ था। तो आइए यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मोड टी प्लस सी कॉन्स्टेंट। तो ये अब मोड टी का इसका अर्थ क्या हुआ, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का लॉग ऑफ मोड टी। तो मोड टी का मतलब क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई क्वेश्चन तो एक्स के रूप में था ना, प्लस सी बन गया आंसर। तो एक्स के रूप में क्वेश्चन था तो दूसरे रूप में आंसर कैसे दे सकते हैं लोग, एक्स के ही रूप में चाहिए हमें आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, बहुत ही सिंपल। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये भी बहुत सिंपल है, ये आपसे कह रहा है log x अपॉन x, ऊपर एक्चुअली log x का होल स्क्वायर है और अपॉन x है, log x का होल स्क्वायर और नीचे x। ओके, कोई बात नहीं, देखिए इसको भी शुरू करते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। I इज इक्वल टू हम लोग इसको लिख लिए log x अपॉन, फिर देखिए यहाँ पे log x का होल स्क्वायर है, ये बार बार छूट रहा है, अपॉन x, ठीक है, और dx। अच्छा, अब यहाँ पे किसको टी माने,
अच्छा एक मन में तो क्लियर है भाई, जिससे भी टीम मानना है उसका डिफ्रेंसिएशन करना है, ऐसा तो आपको क्लियर है। तो अगर हम लोग नीचे वाले को एक्स को टीम मानते हैं तो उससे क्या होगा, अगर एक्स को टीम माने तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स को टीम माने से डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अगर लॉग एक्स को टीम मानते हैं तो उसका डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स होता है। तो ये बातें मन में क्लियर हो गई, तो इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हाँ रास्ता क्लियर है क्या हो जाएगा। तो लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, अब इससे क्या होगा, तो इससे यही होगा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ना डिफ्रेंशिएशन होता है। अब वही बात, फिर बेसिक अगर बिल्कुल नहीं पता तो खाली डी एक्स को इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, आगे लिखिए, काट कूट करिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आता हो तो क्लियर दिख रहा है कि एक बटा एक्स और डी एक्स, एक बटा एक्स और डी एक्स है, इन्हीं को ना हटाना है। तो एक बटा एक्स तो आ ही गया है, डी एक्स भी इधर लेके चले ये, तो ये काम यहीं पर हो जाएगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये काम हो गया। इसी को तो पुट करना है आगे बात को, तो जैसे यहाँ पे ये रखना था, जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इस वाले बात को हम लोग जैसे रखे थे उसी तरह यहाँ पे ये हो गया। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो गया, तो आई इज इक्वल टू हो गया, अब वन अपॉन एक्स के बदले तो डी टी लिखना है, तो खाली लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर और डी टी बन गया। देखिए लॉग एक्स की जगह पे टी और स्क्वायर था तो स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर, और एक बटा एक्स यानी एक बटा एक्स डी एक्स जो था तो एक बटा एक्स डी एक्स के बदले डी टी, तो हो गया सिंपल। अब टी स्क्वायर का आपसे इंटीग्रेशन कर रहा है, इसमें भी सोचने वाली बात है, बिल्कुल नहीं, इज इक्वल टू टी स्क्वायर का हो जाएगा, आप जानते हैं टी की वो अपॉन थ्री प्लस सी, और ये टी के मतलब यहाँ पे आई इज इक्वल टू सीधे आप लिख दिया जाए, टी किसे माने थे तो टी था अपना लॉग एक्स, तो यहाँ पे हम लोग कर दिए log x का होल क्यू अपॉन थ्री प्लस सी, बन गया काम आपका, हो गया, बन गया आंसर क्वेश्चन, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टू। आइए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, बनता है कि नहीं इतना में। क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोग देखा जाए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए तो ये क्वेश्चन है वन अपॉन एक्स प्लस एक्स log x, एक्स प्लस एक्स log x, कोई बात नहीं। देखिए वन अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स है ना, तो इसमें पहले देखिए आई इज इक्वल टू, हम लोग इसको पहले सजा लिया जाए, वन अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या करें हम लोग, तो आप अगर नीचे ध्यान दें ऐसे, अगर इस पूरे चीज़ को आप टीम मानने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे क्या होगा, मन में सोचिए यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो यू इंटू वी पे तोड़ना पड़ जाएगा, तो बड़ी लंबा पेचीदा हो जाएगा। अरे टी किस लिए मान रहे हैं, क्वेश्चन को आसान करने के लिए, टीम मानने से हमारा क्वेश्चन और पेचीदा होते जा रहा है, इसका मतलब गलत है, और कुछ दिमाग में सोच रहे हैं तो सेट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा सोचेगा तो एक बात मन में आएगा कि एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, अच्छा अच्छा हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे, तो वन अपॉन एक्स कॉमन लिए और यहाँ पे क्या हो गया वन प्लस लॉग एक्स, ये काम हम लोग कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वन अपॉन एक्स इंटू और यहाँ पे वन हो गया और यहाँ पे लॉग एक्स है, इस चीज़ को हम कर दी। अब क्वेश्चन की इसको कर लेने से क्या फ़ायदा हो गया, इसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिए हम लोग। हाँ लेकिन एक बात तो है कि अगर एक्स को फिर हम लोग वही देखिए, तो घूम फिर के यहाँ पे आ गए वन अपॉन एक्स तो दिख गया और लॉग एक्स भी दिख रहा है, तो अब आप कहिएगा कि तब इसका मतलब सर क्या हम वन प्लस लॉग एक्स को टी मानेंगे क्या, बिल्कुल उसी को मानेंगे। तो कहिएगा कि यहाँ पे तो सिर्फ लॉग एक्स था तो टी पे काम हो गया, यहाँ पे वन प्लस लॉग एक्स को टी मान रहे हैं तो उससे क्या होगा, इससे होगा ये कि वन तो कॉन्स्टेंट है, वो उसका डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाता है, और लॉग एक्स है तो फिर वन अपॉन एक्स मिल जाएगा। देखिए वन अपॉन एक्स डी एक्स यहाँ पे फिर कैंसिल हो रहा है। एक काम करो, यहाँ पे तो उतनी जगह अभी नहीं है, या यहाँ पे मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, लेट देखिएगा वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स, अरे वन का तो जीरो हो गया ना, तो खत्म, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी टी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आप लिख लीजिए यहाँ पे, चलो मैं यहाँ एक काम करी यहाँ पे बना ही लेता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पता ना दिख रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे मैं एक एक लाइन लिख देता हूँ, वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, अगर ये नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं फिर से उधर लिख दूंगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इतने पे मैं रोकता हूँ, उसके बाद अब हम लोग पुट किया जाएगा। सबसे पहले इसमें से जो नोट करना है, वीडियो को पॉज करिए, उन्हें लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो भाई हम लोग का ये 3 नंबर क्वेश्चन का जो मैं वहाँ पे बनाया था, अभी मिटाने के चक्कर में मैंने पूरा मिटा दिया, ध्यान ही नहीं रहा, मैंने सब मिटा दिया। तो आइए कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं जल्दी से इसको वहाँ तक पहुँचा देता हूँ जहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। यानी आई इज इक्वल टू हम लोग का ये क्वेश्चन था 1/(x + x)log x, ठीक है। मिटाते मिटाते ये ध्यान ही नहीं रहा, मैंने सब मिटा दिया। तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि यहाँ पे आप 1/(x) कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 1+(log x) हो गया और dx हो गया। मैंने यहाँ भी काम कर दिया कि लेट 1+(log x) इज इक्वल टू t माना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया गया तो ये हो गया 1/(x) इज इक्वल टू dt/dx। ये क्लियर था आपको। इसके एक लाइन और आगे तक हम लोग लिखे थे कि 1/(x) dx इज इक्वल टू dt। चलिए यहाँ तक तो वही बातें हो गई जो हम लोग पीछे बात किए थे, जो मिट गया है। तो ये हो गया, अब इसके बाद क्या करना है। इसके बाद सिंपल सा, देयरफॉर आइए अपने क्वेश्चन पे, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, ये है देखिए 1/(x) dx के बदले तो dt है, 1/(x) dx के बदले तो dt है। तो फिर वही बात कि dt बट्टा लिखना है तो वो लिखे या सिंपल अभी 1/(1) ही रहने दीजिए, और इसके बदले हम लोग t माने हैं तो t और ये आ गया dt। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ में आता हो तो मैंने एक बात क्लियर कहा है, कुछ ना समझ में आए तो खाली dx को इधर लाइए, बाकी सब को उधर भेज दीजिए, वो कट के फिर यहीं पर आकर रुकेगा। जब कटाइएगा तो उसके बाद वो फिर यहीं पर आकर ठहर जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका इंटीग्रेशन, तो 1/(t) का सिंपल अभी उधर देखे तो क्या हो जाएगा, log(mod t) log(mod t) हो गया प्लस c। अच्छा तो t क्या है, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू t को तो हम लोग जानते हैं, log मॉडुलस के अंदर क्या हो गया, 1 कहाँ गया, 1+(log x) को हम लोगों ने t माना है, 1+(log x) को हम लोगों ने t माना है प्लस c, बन गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, ठीक। अब कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये भी कोई टफ नहीं है, देखिए sin x into sin of cos x, कोई दिक्कत नहीं, sin x into sin। अच्छा अब यहाँ पे ये अगर आप ध्यान दें तो sin x को अगर हम t मानते हैं तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन पे फोकस करिए। sin x को t माने तो डिफ्रेंशिएशन इसका cos x हो जाएगा, और राइट साइड में जो भी है उससे मतलब नहीं है। कॉस यहाँ पे कहाँ है, तो आपके ना सर कॉस तो यहाँ पे दिख गया, मतलब सही है। तो इस कॉस को हम सोच के भी क्या करेंगे, जब बाहर साइन फिर है, फिर एक टेंशन। और मैंने कहा था ना कि कुछ भी मानने से पहले सोचना है, और दूसरा बात ये देखना है कि हम को प्रॉब्लम कौन कर रहा है, कौन ज़्यादा समस्या पैदा कर रहा है। यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे ना तो इस साइन, और यहाँ पे खुद एक चीज़ कोई रहता है, यानी कि साइन के बाद एक्स, साइन टी, साइन पी, साइन क्यू, तो बहुत आसान होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन और फिर कॉस एक्स हो गया, यानी कि ये समस्या पैदा कर रहा है, ये कॉस एक्स हमें समस्या दे रहा है। तो कॉस एक्स को टी मानिए, आराम से काम हो जाएगा। सोल्यूशन देखते हैं आराम से हम। आई इज इक्वल टू आपका ये क्वेश्चन हो गया sin x into sin of cos x, ओके dx। तो क्या करना है, तो लेट cos x इज इक्वल टू t, हम लोगों ने इसको t लिया, तो ये क्या इम्प्लाइज करता है, -sin x इज इक्वल टू dt/dx। ये सब तो डिफ्रेंशिएशन का बेसिक है और आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। अब क्या करना है, क्या यहाँ पे माइनस कहीं भी दिख रहा है, साइन एक्स भी दिख रहा है, dx भी दिख रहा है, लेकिन माइनस दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो इस माइनस को हटाइए, जो प्रॉब्लम क्रिएट करें उसे साइड करिए। इम्प्लाइज दैट साइन एक्स को हम यही रहने देते हैं और dx भाई को इधर लेके चले जाते हैं, इस dx को भी इधर लेके चले जाते हैं, तो इज इक्वल टू में क्या बच गया, -dt। समस्याएँ फिर हो तो वही बात कि आप काट कूट वाला काम करिए, कटाने वाला, ठीक है। जिसको भी दिक्कत इसमें कहीं भी हो इस वाले लाइन में वो कहेगा, तो उसके लिए हम एक वीडियो दूसरा बना सकते हैं जो उसमें खाली काट काट के समझा देना रहेगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, चाहे इस भी मेथड से है, चाहे उस मेथड से है, मतलब वेद से है, चाहे लवेद से है, जैसे भी है समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो sin x dx = -dt हो गया। अब क्या करना है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे sin x dx के बदले तो -dt है, तो उसको भी साइड रखें, साइन और इसके बदले टी है, तो यानी कि साइन टी हो गया, कौन है साइन, और इसको हम लोगों ने टी माना है ना नीचे यहाँ पे, तो साइन टी और sin x dx के बदले हम लोग लिख दें -dt। तो -dt को मैं सिर्फ यहाँ पे dt लिख रहा हूँ और माइनस को मैं पहले ही बाहर कर दे रहा हूँ, तो इससे किसी को समस्या होना है,
इससे किसी को तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हम लोग को ये अपने पास है तो दे नहीं रहे, ये क्वेश्चन में माइनस था उस माइनस को लगा दिया गया, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये माइनस है वैसे ही छोड़िए। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, आप माइनस अंदर रखते हैं तो भी इसका समाधान है। यहाँ से मैं आपको दो रास्ते क्लियर कर देता हूँ, माइनस अंदर रहता है तो भी आपके पास रास्ता है, और माइनस बाहर रहता है तो भी आपके पास रास्ता है। पहले बाहर मैंने रखा है तो बाहर से समझिए, अगर बाहर है तो साइन टी का इंटीग्रेशन, तो कॉस टी अगर होता तो उसका माइनस साइन टी होता, एक्स में ही मान लीजिए कॉस एक्स होता तो उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होना चाहिए। पर यहाँ पे तो माइनस अंदर की बात अगर की जा रही है तो माइनस तो लगा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया, माइनस कॉस टी ओके प्लस सी, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस टी प्लस सी। मैं इसको आपको समझा रहा हूँ, पहले एक लाइन आगे बढ़ जाने दीजिए। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो गया, तो कॉस टी के बदले क्या, तो टी को किसे माने, तो कॉस एक्स को, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी ये बन गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे। अब समझिए, यहाँ पे मैंने आपसे बताया कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये आपका सॉल्यूशन क्लियर है, एक रास्ता। अब कोई बच्चा कहता नहीं सर मैं माइनस को बाहर क्यों करूँ, इससे भी आसान तो दूसरा है। हाँ बिल्कुल है, देखिए कैसे, जैसे अब यहाँ से मैं बाउंड्री दे रहा हूँ, ठीक है, इस बात में कन्फ्यूजन है, दोनों मत लिख दीजिए, एक ही कोई चलना है। अब यहाँ से आइए, यहाँ के बजाय मैं ऐसे नहीं करके इस तरह कर रहा हूँ, देयरफॉर आई इज इक्वल टू अंदर में माइनस साइन टी डी टी। भाई डी टी का अपना माइनस था ना यहाँ पे, इस माइनस को मैंने माइनस साइन टी लगाया, माइनस साइन टी डी टी, तो इसका खेल यहीं पे ख़त्म। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, भाई माइनस पहले से लगा है तो इसका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कॉस टी प्लस सी, तो ये क्या हो गया, फिर कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, सॉरी कॉस ऑफ कॉस एक्स अब प्लस सी, ये हो गया आई। तो ये वाला उससे भी अच्छा है, ऊपर वाले से भी ये अच्छा, ये कम लाइन में हो गया, बन गया, हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैंने खाली साइन के बारे में बात की, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट माइनस साइन के बारे में बात की और आंसर आ गया। जैसे भी समझ में आता हो इसे बना लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, जो लिखना है उसे लिख लीजिए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोक देते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर सब कुछ समझ में आ जाए तो भी कमेंट करके बताइए कि हाँ सर सब क्लियर है, ओके है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर और किसी को भी समस्या है तो उसे भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।